किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्चिता सर्वयुपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। 76 नंबर श्लोक स्वामी महाराज जी की गीता दे। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवयर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवयर्जुनयो पुण्यम हृष्यामी च मुहुर्मुहु। आइए। राजन संस्मृत्य संवादम इदमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामी च मुहु। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का वारंवार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। श्री भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्य आत्मा बन जाता है। और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता जो जान लेता है। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है।
कृष्ण भावनामृत का फल यह है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। स्वामी महाराज जी ने जो इसका तात्पर्य किया है, उसमें कह रहे हैं ये भगवद गीता का दिव्य ज्ञान जो भी जानता है पुण्यात्मा बन जाता है। पुण्यात्मा बनने का मतलब पहले पुण्यात्मा नहीं है कि वो बाद में पुण्यात्मा बनता है, इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति पापात्मा है, अगर वह सही, जिसके लिए पहले मना किया था जो पापी हैं ये थे दुराचारी हैं उनको मत सुनाना, लेकिन स्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति साधारण है, साधारण श्रद्धा युक्त है या पापों में लिप्त है, जिसे पता नहीं है कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना है, कार्य अकार्य का उसको भेद नहीं पता, ऐसा व्यक्ति जब इसे अच्छे ढंग से समझ जाता है, जान लेता है, तो पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को कभी भूल नहीं पाता। और स्वामी महाराज कहते दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षता श्री कृष्ण से सुनता है, तो श्री कृष्ण से कौन सुनेगा? गीता भगवान ने बहुत बार कही है, ले भगवान ने गीता में कहा कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैंने पहले एकदम विवस्वान एवं विवस्वात्म योगम प्रप्तवान अहम अव्ययम, मैंने इसको विवस्वान को सुनाया था। ओ विवस्वान को, सूर्य को सुनाया था मैंने, और आप कहते बहुत बार कही। भगवान ने अपने विषय में जहां भी ज्ञान दिया वो गीता हुई, चाहे वो अर्जुन को, चाहे वो भीष्म को हो, चाहे उद्धव को हो, चाहे वो किसी के साथ भी उन्होंने अपने विषय में ज्ञान दिया हो, वो सारा गीता है, भगवान के द्वारा गाया गया भगवान का गुण। यहां तक कि दुर्योधन के सामने भी भगवान ने अपने गुण गाए, गीता सुनाई, सुनाई नहीं, नहीं सुने कहां? सभा में जब भगवान गए संधि का प्रस्ताव लेकर के, उस वक्त निवेदन के रूप में कहा, जब पकड़ने लगे तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया कि देख मैं ही हूं, अंत में सब कुछ होगा। वो कहता जो होना हो, बड़ा सुंदर स्तुति की है दुर्योधन ने, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति, हे कृष्ण हे केशव, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म को जानता हूं मेरी निवृत्ति नहीं है, क्यों? त्वया, आपके द्वारा मैं कठपुतली की तरह कार्य कर रहा हूं, जो आप करवा रहे वही मैं कर रहा हूं। इतनी बड़ी बात कही उसने, और मुझे तो लगता है क्योंकि है तो ये बलदेव जी का सखा, शिष्य तो यहां पे है धाम में, बलदेव का सखा है ये साधारण नहीं है दुर्योधन, धाम में बलदेव सखा है, नाम भी मेरे को याद था पहले। लेकिन देखिए कैसा कार्य किया, सामने होने पे सुनने पे भी क्या समझ में आया, भगवान बोल रहे मान ले भगवान ही है,
समझ आया। ये भी मालूम नारायणी सेना जब लेके आया, मतलब नारायण है तभी तो नारायणी सेना लेके आया, तभी मान लेता। तो केवल मात्र सुनने से नहीं होगा, सामने से मेरे हिसाब से कृष्ण से डायरेक्ट सुनने से भी नहीं होगा। स्वामी महाराज बोलते हैं कि जो कोई प्रत्यक्षता कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाता है। मेरा भी मत यह है कि कृष्ण से सुनने से भी वो भावनामृत में नहीं आ सकता। जो कृष्ण के हैं, जिन्होंने कृष्ण को भी धारण किया है, जो कृष्ण को भी सिखाते हैं, ऐसे गोपीजन, ऐसी माता, ऐसे सखा, ऐसे दास, ए मान जा ना मान लो, अगर वह कृष्ण के बारे में बोलते हैं, वह कृष्ण के गीत गाते हैं, वह कृष्ण का गुण गाते हैं, तो वास्तविकता में ये प्रत्यक्ष कृष्ण का अनुभव है, ये प्रत्यक्ष कृष्ण का श्रवण है। कृष्ण से कृष्ण के बारे में शायद कोई ना समझ सके, लेकिन भक्त के द्वारा जब कृष्ण के बारे में बोला जाता है तो कृष्ण जो खुद नहीं बोल सकते वो भक्त के द्वारा बुलवाते हैं। नहीं समझ रहे मेरी बातें? पहले शुरू में आपको एकदम विपरीत लगेंगी, उसमें बुद्धि मत लगाना, जो उसका सार अर्थ होता है बाद में उसको सुनना जरूरी होता है। कई बार मैं ऐसे बोल देता हूं, ना गुरु वर्गों ने जो बोला है उससे ऊपर किसी की बात ना है, ना हो सकती, ना हम मानेंगे, लेकिन शुरू में जब मैं बोलता हूं मेरा ये स्वभाव है, बोलने में ऐसे लगता है मैं नहीं मानता गुरु जी की इस बात को। वो कौन है? नो, मैं नहीं हूं। वो वह है जिसकी ऐसी बुद्धि है, तो उसको कैसे मनाना है, उस बुद्धि को पहले लाके फिर गुरु जी की उस बात का स्थापन करना, ये मेरा अभ्यास है। इसका अभिनय करने की या नाटक करने की किसी को जरूरत नहीं कि महाराज ऐसे करते तो हम भी ऐसे करें, फंस जाओगे। हाँ गुरु जी इस बात को अलग तरीके से बोलते, गुरु जी कहते भक्त भगवान भक्त के आगे बिक्री बिली हो गया, बिली मतलब बिक्री हो गया, बिली गए छे ना, बिक्री हो गया है। अगर कृष्ण को जानना है, जहां कृष्ण के भाव में भावित होना है, तो उनके जो भाव में भावित हैं उन्हीं का संग करना होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर साक्षात प्रत्यक्षता कृष्ण से सुनना का मतलब यह है स्वामी महाराज जो बोल रहे हैं वो साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा समझ के आपको सुनना पड़ेगा, तब आप कृष्ण भावनामृत में बैठोगे जाओगे, ये अभिप्राय। और जब उनको सुनोगे तो अत्यधिक प्रबुद्ध होगे, अत्यधिक प्रबुद्ध मतलब जिसकी बुद्धि के आगे कोई भी बुद्धि टिक नहीं सकती, नहीं टिक सकती। ब्रह्मा जी की नहीं टिकने दी सखाओं ने, मतलब कोई भी नहीं। उद्धव जैसे महापुरुष के नहीं टिकने दी, जो कि बृहस्पति के साक्षात शिष्य, यूं कहो बृहस्पति उनके हृदय में विराजमान होके आए हो, किसी को भी, यहां तो मट्टी धूल चटाई सवन ने, कन्हैया को चटाई दी तो तुम सब कहा हो, ये बात। इसलिए और फिर वो जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। लो जी जीवन का भोग, और ये भोग बोलने से बुद्धि कहां चली जाती है, विषयों में। कहते जीवन का भोग, वास्तविकता में जीवन का वह भोग है कि जो जीवन मिला है उसको आप अपने सुख के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये इसे भोग कहते हैं। जो अपने सुख के लिए किसी भी वस्तु को
ग्रहण किया जाता है उसे भोग कहा जाता है। वो किसी तरह का भी हो सकता है, ये गद्दी भी हो सकती है, ये लाइट भी हो सकती है, कोई भी तरह का, ये सारा भोग है, अपने सुख के लिए लिया गया। तो आत्मा को सुख अर्थात नित्य आनंद, आत्मा को आनंद मिलना शुरू होता है तब जब जीवन का भोग, जीवन के जितने सुख हैं वो कृष्ण के साथ में संयुक्त हो जाते हैं। उसका सांस लेना भी, जीवन धारण करना भी, खाना पीना सोना, यहां तक कि मलमूत्र का त्याग करना, स्नान करना भी पूर्ण आनंद के साथ भर जाता है। क्यों? खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। वो देश भी नहीं, काल भी नहीं, सब जगह सब सर्व सर्व सिद्धि, सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण नाम का आनंद मिलने लगता है। ये है कृष्ण भावना अमृत में जो प्रबुद्ध हो जाता है, जो विशेष रूप से जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध मतलब प्र मतलब प्रकृष्ट, बुद्ध मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि प्रकृष्ट रूप से श्रेष्ठ रूप से उसमें रम जाती है कृष्ण भावना अमृत में, वही प्रबुद्ध है। जिसकी बुद्धि अगर इधर उधर भाग रही है वो प्रबुद्ध नहीं है। प्र शब्द का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, जिसकी श्रेष्ठ में बुद्धि लग गई, बुद्ध हो गया, जानू कहूं बुद्धू बन गया, भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता ऐसा बुद्धू बन गया, हाँ प्रबुद्ध। परमेश्वर के अलावा किसी को ना जाने वह प्रबुद्ध, अपने पुत्र को भी अपना नहीं पुत्र समझे, ये कृष्ण का दास है, नहीं मान रहा है कोई बात नहीं, भगवान कृपा करेंगे मान जाएगा। प्रहलाद की तरह निर्लेप रहे संबंध सकलिर माधव जग जगतेर काम नहीं तव धाम, जगतेर काम नहीं तव धाम, वैष्णव के का भजन का है सकली माधव। ये जितना भी संसार में भोग है, भोग मतलब सुख देने की वस्तुएं हैं, वो सब कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण की हैं। इस भाव में जो पूरी तरह डूब जाता है तो तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम भी तो सो रहे हो, तुम भी खा रहे हो, तुम भी पूरा कर रहे हो, सुख ले रहे हो? नहीं, हम सुख नहीं ले रहे, हम सुख देने के लिए शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, सुख देने के लिए शरीर का उपयोग कर रहे हैं। एक उपयोग होता है एक उपभोग होता है, उपयोग करो तो कृष्ण संयोग होता है, उपभोग करो तो भवरोग होता है। उपयोग से संयोग कृष्ण संयोग और उपभोग से भवरोग, इसलिए ये देखना है हम उपयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं। उपयोग जब करता है व्यक्ति तब उसे यह पूर्ण ज्ञान होता है कि मेरी वस्तु नहीं है, तब उपयोग करता है। जैसे ट्रेन की सीटें उनका उपयोग करता है, लेकिन मेरी कुर्सी उसका उपभोग करता है, मेरी है इससे दूसरा ना बैठे, ये उपभोग होता है। तो इसलिए प्रबुद्ध वो है जो परमेश्वर में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई, बुद्ध हो गया, स्थित हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं जानता, उसके संबंध से सब कुछ जानता, वो कृष्ण भावना अमृत का वास्तविकता में सही पात्र है। ये बात कही कि मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, ऋष्यामि मुहुर्मुहु, बहुत आनंद आ रहा है। ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन करके वास्तविक में सुनने वाला भी पुण्यम पुण्य प्राप्त करेगा। हे राजन, अद्भुत संवाद था ये। अद्भुत बोलने का मतलब जिसके द्वारा भक्ति प्राप्त हो जाए वो अद्भुतम।
हमारे बलदेव विद्याभूषण ठाकुर क्या कहते हैं उसे सुनते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अनुवाद जो किया है वो पहले जैसा ही है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे राजन, केशव अर्जुन यही अद्भुत संवाद श्रवण करते करते आमी बारंबार रोमांच होते थे। मेरा बार बार रोमांच हो रहा है याद करते हुए संवाद को, स्मरण करते हुए। आह, कैसे भगवान ने ये कहा, कैसे, क्योंकि उसके सामने है वो, भूतकाल में नहीं है वो, सामने है उसके। जो भी वो याद करेगा तो उसको सामने प्रत्यक्ष नजर आएगा, यही उसकी दिव्य दृष्टि है। हम में से किसी की दिव्य दृष्टि इसलिए नहीं, हम स्मरण करके याद करके उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, और ये स्मरण करते हुए प्रत्यक्ष देख रहे हैं, यही दिव्य दृष्टि का अंतर है। अगला श्लोक, तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। आइए, तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन् ऋष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। देखिए, एक अद्भुत शब्द इसमें प्रयोग किया है, संस्मृत्य, स्मृत्य नहीं कहा है, संस्मरण, स्मरण होता है एक संस्मरण होता है। स्मृत्य शब्द का होता है स्मरण करके, स्मरण करके। संस्मृत्य मतलब जब मैं स्मरण करता हूं तो मेरे सन्मुख होते हैं। नवीन अर्थ प्रकाशित, संस्मृत्यम सन्मुखम स्मृत्यम, स्मृति मात्र से सन्मुख होते हैं वह संस्मृत्य। इसमें तीन चार जगह पे संस्मृत्य शब्द का प्रयोग किया है, चार बार तो संस्मृत पहले भी आया, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, तच्च संस्मृत्य संस्मृत। केवल इसको स्मरण कहेंगे तो शायद दिव्य दृष्टि वाला भाव थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा। यहां संस्मृत्य शब्द का अर्थ सम्यक रूपेण स्मरणम यत्र संस्मृत्य, सम्यक रूप से जब स्मरण होता है, सम्यक का मतलब वहां श्वास लेना भी जब स्मरण में आ जाए, रोमांच हो रहा है, उसके कांप रहा है, वो हर चीज हर अंग जहां पे स्मरण हो जाए वो है संस्मृत्य। सम्यक रूप से स्मरण जहां हो, सम्यक रूप से स्मरण का मतलब जहां साक्षात अनुभव हो रहा हो वो है स्मरण। भक्तों को संस्मरण ही होता है, भक्तों का गुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति जब उनका भाव उदित होता है, जब वह
उन्हें रिझा रहे होते हैं या उन्हें खिंचा रहे होते हैं, या उनसे निवेदन कर रहे होते हैं या फिर उनसे कुछ सुन रहे होते हैं, तब उस समय वो अपने आप में नहीं होते, हमारे बीच में होने पर भी हमारे बीच में नहीं होते। उस समय वह भगवान के सम्मुख होते हैं। गुरु जी को कई बार देखा, कई बार, सैकड़ों बार तो गुरु जी को हाथ उठा करके कहा नित्यानंद, कहा गौराहरी, आंखें उल्टी होती थी उनकी और बिल्कुल ऐसे ऊपर देखते हुए नित्यानंद कहा गौराहरी, हमारे हाथ भी नहीं वैसे लहरा रहे। उनका वो भाव, वो आंखें, बहुत बार उसका दर्शन करने का मौका मिला और उसका उसको देखते हुए जो अनुभव होता है वो है संस्मृत्य, रोमांच होना, उनका ही नहीं अपितु हम लोगों का भी, उनके नजदीक, उनके ओरे के बीच में आने से, उनका एक दायरा, उस दायरे में आने से अत्यद्भुत। एक बार गुरु महाराज जी चंडीगढ़ में, मैं रोमांचित होता हूँ याद करते हुए, चंडीगढ़ में नगर कीर्तन में निकले तो गुरुदेव के, गुरु जी ने ना बनैन नहीं पहनी हुई थी, वो नीचे का वस्त्र था, ऊपर का बहिर्वास था, ये जो उसको उत्तरीय और बहिर्वास, बहिर्वास उत्तरीय और ऊपर का जो चादरा है, चादर था, तो गुरुजी पसीने से लथपथ हो रहे हैं। आप विश्वास करेंगे क्या, दिव्य सुगंध थी, ऐसे जैसे तपती हुई बालू पे पानी गिर जाए बारिश का, कैसी उसको भीनी सुगंध होती है, ऐसी भीनी सुगंध थी। मतलब मेरा अनुभव केवल नहीं था, मुनि महाराज को याद होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, मैंने कहा ओए इधर आस, देख कितना ही दिव्य सुगंध है। कोई बुद्धि हीन व्यक्ति उसे समझे ना समझे, लेकिन मुझे पूर्णतया उसका अनुभव उस वक्त हुआ, मुनि महाराज थे उनको हुआ, कहते यार मतलब फिर ये इतनी इतनी ज्यादा वो हो गया। हम गुरु जी को स्पर्श नहीं करते थे, जब कीर्तन कर रहे हैं ना हम हमेशा दूरी बना के रखते थे, क्योंकि वह पूरी तरह भगवान की सेवा में है, हमारा स्पर्श होगा वो एक वेव्स खंडित हो जाती है, वो अत्यद्भुत। उसके बाद ये सब चीजें मतलब खराब सी लगती हैं बोलने में लोगों की दृष्टि से, लेकिन मैं अपनी एक जड़ीय दृष्टि बोल रहा हूँ। उसके बाद जब गुरुजी आए, गुरुजी ने कपड़े उतारे, खोले, अब गर्मी है, थोड़ा पंखा चल रहा था, गुरुजी कभी एसी पसंद नहीं करते थे, एसी तब क्या होता पता ही नहीं था, एसी सबसे पहले गुरुजी ने बॉम्बे में मेरे से लगवाया, बॉम्बे के लिए, तो वहाँ रहता है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, वहाँ एसी लगाओ, ठीक है, सबसे पहले गौड़िए मठों में एसी हमारे बॉम्बे में लगा। मैं विषय पे वापस आऊँ तो पंखा चला है, तो गुरुजी का वो जो वस्त्र था ना जिसमें पसीना था, उस वस्त्र को मैंने उठाया, मैंने उसकी घ्राण ली, प्रभु जी क्या बताऊं, क्या है सुगंध इस जगत की, उससे बिल्कुल ही दिव्य, अति दिव्य। मतलब हर शिष्य अपने गुरु के बारे में ऐसे सोच सकता है, लेकिन उसको मजबूरी में सोचना पड़ेगा, और मैं मजबूरी में ये सोच, मैं जबरदस्ती ये सोचना चाह रहा था कि मन मनुष्यों की तरह तो होनी चाहिए, मेरी समझ में आ ही नहीं रहा था, समझे नहीं, ये चीज, ये प्रैक्टिकल बतला रहा हूं अनुभव। तो संस्मृत्य, संस्मृत्य जब स्मरण होता है साक्षात भक्त के सामने भगवान होते हैं। एक बार गुरु जी कीर्तन कर रहे जम्मू में, आप लोगों ने शायद ये कीर्तन सुना होगा, निताई गौरांग
निताई गौरांग, 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 निताई गौरांग। ऐसे लग रहा था मानो गुरुजी निवेदन कर रहे हैं कि हे नाथ, हे दयालु, कृपा करो ये जीवों पे, ये आपने मुझे भेज दिया, मैं क्या करूं, कैसे करूं, आप आओ कृपा करो। निताई गौरांग, निताई गौरांग, ऐसे जैसे बुला के नीचे उतार दिया। और इतना गुरुजी उसमें विरह में चले गए ना, गुरुजी के अंग मतलब ऐसे 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 हो रहे थे, जैसे तड़फता हुआ जैसे सांप होता है ना, जैसे मतलब ऐसा अंगों में उनके वो था। दुर्भाग्य तब हम लोग के पास कैमराज नहीं होते थे, कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है, हमारे भक्तों को विषयों में ज्यादा प्रेम नहीं था शायद, लेकिन होता तो बहुत अच्छा होता, हम बड़े नए नए थे तब। अब सारी चीजें याद आती हैं तो दुख होता है। वो गुरुदेव का अद्भुत, और कई ऐसे, एक वीडियो मैंने बनाई थी, फर्स्ट वीडियो थी गुरु महाराज जी की, कि विरह अवस्था में गुरुजी ने उसे टोका नहीं, रोका नहीं, नहीं तो गुरुजी आपको याद होगा सबको, कोई फोटो भी खींच रहे हटा देते थे। चंडीगढ़ में तब कार्तिक मास था, कौन सा सन था मुझे याद नहीं है, 99 95 जो भी रहा हो याद नहीं है। उस समय गुरुजी पंचकुला गए थे, पंचकुला में किसी के घर पे श्रीकांत प्रभु कीर्तन कर रहे थे, महामंत्र कीर्तन था या कुछ ऐसा था जो भी हो। तो उस वक्त गुरुजी इतना मतलब डेप्थ में चले गए, तो गुरुजी रो रहे हैं और सिर्फ मेरे को गुरुजी ने अलाउ किया, जो फर्स्ट टाइम गुरुजी की वीडियो रिकॉर्डिंग कीर्तन के अंदर रोते हुए थी, वो मैं कैमरास को जैसे नहीं मूवी वाले कैमराज लेके जाते, तो मैं बिल्कुल गुरुजी के गोद के पास ले गया और गुरुजी ऐसी अवस्था में है, गुरुजी के आंसुओं को कैच किया। गुरुदेव दास जी यूएसए वाले, उनका कैमरा था, पता नहीं उनके पास वो वीडियो है या नहीं है, भगवान जाने। फिर जो गुरुजी ऐसे के, तो मैंने यहाँ तक लिया, मतलब यहाँ तक गुरुजी के कैमरा आ जाए कल्पना करो उस जमाने में। फिर बैग में ले गए जैसे ये है, ले जा करके ऊपर से लिया, साइड से लिया, ये लिया। जब ऐसे किया ना तो गुरुजी को दिखाई दिया, गुरुजी ऐसे करके, गुरुजी ने मेरे को देखा,
तो कुछ नहीं बोला, मतलब मैंने कहा वाह भाई वाह बच गए फिर अच्छे ढंग से लिया, उसके बाद उन कीर्तन खत्म हो गया। तो ऐसे कई बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार गुरुजी को पब्लिक के आगे कम, जब लोग होते थे कम, लेकिन एकांत में जैसे गोकुल महावन है, जहाँ बठिंडा है, जहाँ ऐसी जगह जलंधर है जहाँ पे भक्त लोग सिर्फ घर के लोग हैं, वहाँ पर गुरुजी अपने उस भाव को रोक नहीं पाते थे, मतलब बहुत कोशिश करने पे भी नहीं रोक पाते थे। तो वो अद्भुत एक दर्शन हुआ। इस प्रकार से संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे, अति अद्भुत रूप को दर्शन करके कैसे उनका रोम हर्ष हो रहा है, कैसे वो भाव में बह रहे हैं, ये संजय जो बोल रहे हैं ये गुरुजी में देखने को मिला। पंचम वैष्णव्यो नमना, 6-7 मिनट ज़्यादा हुए गुरुजी की कृपा के लिए। हरि हरे नम कृष्ण यादवा।